इमरजेंसी वार्ड के बगल में शॉर्ट सर्किट हुआ है और आग लग गई है। आग लगने से जितने भी पेशेंट थे, उनको देखने वाले थे, केयर करने वाले थे, स्टाफ थे, सारे लोग बाहर निकल गए हैं। मालूम हुआ है कि वहाँ के मेन पैनल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, लेकिन उस पर काबू पा लिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं मीर जलालुद्दीन। अभी मैं कैमूर जिला के मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में मौजूद हूं और आप यहां देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी तरह से भगदड़ का माहौल है। और भगदड़ किसी कारण से नहीं, यहां पे शॉर्ट सर्किट से पूरी तरह से अंदर इमरजेंसी वार्ड के बगल में शॉर्ट सर्किट हुआ है और आग लग गई है। आग लगने से जितने भी पेशेंट थे, उनको देखने वाले थे, केयर करने वाले थे, स्टाफ थे, सारे लोग बाहर निकल गए हैं। हालांकि आग पे काबू पा लिया गया है और आग पे काबू करने के बाद से सारे लोग जितने भी स्टाफ थे एक्टिव मोड बनाने के वजह से आग पे कंट्रोल पा लिया गया है। लेकिन ये आग कैसे लगी है, लेकिन बराबर यहाँ के प्रशासन से और यहाँ के जनप्रतिनिधि से ये कहा जाता है कि ये ट्रामा सेंटर बनाया गया है, जर्जर स्थिति है भवन की, इस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन यहाँ के प्रशासन और यहाँ के शासन पर कोई भी जू नहीं रंगता और उसका नतीजा ये होता है कि बड़े से बड़ी घटना होते होते आज बच जाती है। किसी भी तरह का कैजुअल्टी तो नहीं हुई है, लेकिन पूरी तरह से धुआं भरा हुआ है। देख रहे हैं कि कितने भीड़ है अनुमंडल अस्पताल में, हम जानने की कोशिश करते हैं। आप आइए, क्या करने के लिए आप आइए? ट्रेनिंग चल रहा है उसके लिए। ट्रेनिंग चल रहा है तो क्या हुआ था, यहाँ बता पाएंगे क्या हुआ था? इसमें थे हम, टीवी वाले रूम में थे तो आग लगा, तो हम बाहर निकले तो देखे आग लगा, तो जाकर बोले तो सब लोग जुटे, सब लोग निकले हुए हैं। हमारे साथ कई लोग हैं, आप हम जानने की कोशिश करते हैं। बाबा, आप पेशेंट को लेके आए हैं? जी हैं? जी। कितने बजे आप आए हैं? हम आए हैं 11 बजे के लपेट में। 11 बजे जी। कहाँ से आप आए हैं? हरिहरपुर दमकारा है। हरिहरपुर से। क्या हुआ था, भगदड़ कैसे मचा, क्या हुआ? भगता हुआ आग, कदम हल्ला हुआ, इसीलिए दम से भगदड़ हुआ, आग लग गया, आग लग गया था, धुआं धुआं हो गया, इसीलिए हम सब लोग भाग गए निकल कर। सब लोग निकल के भाग गए? भाग गए जी सर। तो किस तरह से कोई घटना नहीं घटी है? सब लोग सर घटना नहीं घटी, बच गया सब। क्या नाम आपका? राम प्रवेश सिंह कुशवाहा। राम प्रवेश सिंह कुशवाहा। तब देख रहे हैं कि जो है इस तरह से सारे डॉक्टर लोग, प्रभारी साहब भी यहाँ पे आ गए हैं, देख रहे हैं कंट्रोल तो कर लिया गया है, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना होते होते बच गई है। हमारे साथ जो है अस्पताल के अधीक्षक साहब मौजूद है, उपाधीक्षक साहब है, बदुद्दीन अंसारी साहब, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या मामला था, क्या हुआ है? अभी हम जस्ट आए हैं, देख रहे हैं क्या हुआ है जी। अभी हमको भी पूरा स्थिति का पता नहीं है, लेकिन देखा जाए सर पूरा धुआं धुआं हुआ है, एमएनसी के बगल में पूरा धुआं हुआ है। क्या शॉर्ट सर्किट से लग लगी है, कुछ बता पाएंगे? नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते जी। अभी देखते हैं, पूछते हैं लोगों से क्या क्या हुआ है, मुझे नहीं है, पूरी स्थिति साफ नहीं है। जैसे उन्होंने बताया है कि अभी हम देख रहे हैं, जस्ट वो आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। और किसी भी पेशेंट का मैं दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि किस तरह से कहाँ पे कितनी की क्षति हुई, हम दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या दिखाइए, दिखाइए, ऐसे क्लोज करो। ये सब चादर जो है उसके लपेट में आने से कुछ चादर जला है, जैसे कि हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि ये चादर जहां पूरी तरह से ये बनाया गया था, एक इमरजेंसी रूम बनाया गया था जहां पूरी लाइट का कनेक्शन किया गया है, वहां पे चादर रखा भी गया था, जिससे कि शॉर्ट सर्किट से चादर कुछ लपेट में आ गई है और वो जल गया है। हमको, मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा, देख रहे किस तरह से उठाया जा रहा है, उसको उठा के बाहर ले जाया जा रहा है। धुआं पूरे अस्पताल में भर गया है, हालांकि कंट्रोल तो कर लिया गया है, बहुत बड़ी घटना होते होते बची है। हम और स्थिति की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लगने की सूचना मिली है मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में, इसमें क्या अभी तक? वो वहाँ मुझे मालूम हुआ है कि वहाँ के मेन पैनल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, लेकिन उस पर काबू पा लिया गया है, ज्यादा किसी तरह की वैसी कोई क्षति नहीं हुई है। बाकी जो बाकी सब ठीक है, सामान्य है। चूंकि आज दिन सोमवार होने की वजह से कल संडे को अस्पताल में असर पड़ता है और अस्पताल में इस तरह से जो है पर्ची नहीं काटी जाती। आज मंडे होने की वजह से काफी भीड़ था और आप देख रहे हैं कि किस तरह से पर्ची काटने के लिए लंबी कतार लगी हुई है। और इसी टाइम सुबह का अभी 10 से 11 से 12 बजे के समय हो रहे हैं और देख रहे हैं किस तरह से काफी संख्या में लोग आए हुए हैं पर्ची कटा के अपने मरीजों को दिखाने के लिए। लेकिन इसी बीच में शॉर्ट सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एक भयानक आग लगने लगते बच जाती है। यहाँ की स्टाफ जो कंट्रोल कर लेते हैं और आग पे काबू पा लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। ये बार बार मीडिया दर्शन ये कहती रही है कि यहाँ के पूरे बिल्डिंग पे प्रशासन जो है, जनप्रतिनिधि आते रहते हैं, उस पर ध्यान दें। जर्जर बिल्डिंग बनी हुई है, जर्जर स्थिति हुई हुई है, लेकिन इस पे आश्वासन के सेवा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और हम ये कहेंगे
कि यहाँ प्रशासन को इस पर पूरी तरह से ध्यान दे, अदरवाइज बहुत बड़ी घटना कभी भी घट सकती है।